खाचरौद के बागपुरा निवासी तकवीम बेग पिता स्वर्गीय वसीम बेग का लीवर खराब हो जाने से लीवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता थी। उनका इलाज इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस अस्पताल दिल्ली में चल रहा था। इलाज महंगा होने से वह ऑपरेशन कराने में असक्षम थे। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एवं उनके मिलने जुलने वालों ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत को इसकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि तकविंग बेग का समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा है। इस दौरान पूर्व विधायक शेखावत ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पूरे प्रकरण को पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के समक्ष रखा। तत्पश्चात तकविंग बेग का बीमारी का एस्टिमेट बनाकर भोपाल प्रवास कर क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया के सहयोग से पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के सहयोग से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट कर इस पूरे मामले से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल स्वेच्छा अनुदान योजना मद से राशि 2 लाख रुपए स्वीकृत किए, किंतु मात्र 2 लाख रुपए से ऑपरेशन संभव नहीं था, जिसकी जानकारी पुनः पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत एवं सांसद अनिल फिरोजिया के समक्ष रखी। इस पर दोनों के सहयोग से प्रधानमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना मद से पुनः 3 लाख रुपए स्वीकृत कराए। इस प्रकार कुल 5 लाख रुपए स्वीकृत होने पर तकविंग बेग के लीवर का सफल ट्रांसप्लांट संभव हो सका। इस दौरान शेखावत ने बताया कि पूर्व में वर्ष 2003 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी तब पूरे एक वर्ष का मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान योजना का बजट मात्र 2 करोड़ रुपए था। विगत 15 वर्षों में इस बजट को बढ़ाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 100 करोड़ से ज़्यादा कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक मरीजों को सहायता मिल सके। इसी परिणाम स्वरूप नागदा खाचरौद विधानसभा क्षेत्र में विगत 2013 से 2018 तक कुल 1900 व्यक्तियों का इलाज के लिए 1500 लाख रुपए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद एवं राज्य बीमारी सहायता योजना से स्वीकृत कराए गए थे। आगे जानकारी देते हुए श्री शेखावत ने बताया कि हमारी मदद मात्र से यदि किसी जरूरतमंद बीमार व्यक्ति को इलाज से नया जीवन मिलता है तो इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। बस यह सब व्यक्ति की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। वह किसी जरूरतमंद व्यक्ति के इलाज का प्रकरण स्वयं भोपाल लेकर जाए एवं मुख्यमंत्री से अनुरोध कर अधिकारियों से संपर्क कर स्वीकृत कराए, ना कि मात्र अपने लेटर पेट पर पत्र लिखकर इतिश्री कर मरीज के परिवार को भटकाने के लिए छोड़ दे। सभी जरूरतमंद व्यक्तियों की राशि स्वीकृत कराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत एवं क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया का आभार भी व्यक्त किया। नागदा खाचरौद विधानसभा में हम लगातार जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन ज़रूरतमंद लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वेच्छा अनुदान से और पूर्व में जब केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत जी थे सामाजिक न्याय विभाग के, तो उनके विभाग से भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के जो हमारे ज़रूरतमंद भाई बहन, तो उन लोगों को हम लोग पैसा दिलवाते थे, उसके कारण कई जिंदगियां बची है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी अभी एक खाचरौद की तकवीन बहन है, तकवीन बेग, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना चाहिए और लीवर ट्रांसप्लांट में आप और हम सब लोगों को पता है कि बहुत बड़ा धनराशि लगती है। तकवीन बेन का दिल्ली के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और ये बात जब हम लोगों को अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से पता लगा, मैं और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी और माननीय अनिल फिरोजिया जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल 2 लाख रुपए उनसे स्वेच्छा अनुदान से स्वीकृत कराए और फिर माननीय महामहिम कर्नाटक के भी राज्यपाल और पूर्व में केंद्रीय मंत्री थे और माननीय अनिल फिरोजिया जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करा, उन्होंने 3 लाख रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वेच्छा अनुदान से स्वीकृत करी और इससे लगभग 5 लाख रुपए उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तकवीन बेग के लिए स्वीकृत हुए। अभी स्वास्थ्य विभाग में भी एक योजना है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के, वहाँ पर भी उन्होंने आवेदन दे रखा है और माननीय महामहिम और माननीय सांसद जी लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी लगभग विगत दिनों के अंदर इस नागदा खाचरौद विधानसभा के अंदर 21 लोगों के 15 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि हम लोगों ने स्वीकृत कराई है, जिसमें कमलाबाई को 50,000 रुपये, भाई शाहरुख को 25,000, मदन लाल जी को 25,000, बेबी पूजा को 10,000, करण सिंह जी को 80,000, पेमानुस को 1.5 लाख रुपये, मनोज को 20,000, लखन सिंह जी को 15,000, कन्हैयालाल जी को 40,000,
भाई इसरार को 50,000, आयुष प्रजापत को 1,00,000, सोनू को 30,000 रुपये, हरीश को 50,000, नंदराम जी को 10,000, किशोर को 40,000 और एक बहन रीना है जो मड़ावदा की है, उनको 50,000 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी से और 1,00,000 रुपये माननीय प्रधानमंत्री जी से स्वीकृत कराएं। भाई सुरेश को 20,000, कन्हैया को 70,000, उकार लाल जी को 40,000 और रतन सिंह जी को 15,000 रुपये, ऐसे करके लगभग 15,00,000 रुपये हमने 21 लोगों को विगत दिनों के अंदर स्वीकृत कराएं। अभी एक प्रस्ताव और हमारा, जो राधेश्याम पिता मोहन लाल है, इनका किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ये चंद्रवंशी समाज के, और इनका लगभग 5,00,000 रुपये का एस्टिमेट बना है, वो भी स्वीकृति की स्टेज पे। आज ही मेरी महामहिम माननीय गहलोत जी के पीए उपाध्याय जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि अंबेडकर फाउंडेशन में प्रपोजल पूरा स्वीकृति की स्टेज पे पड़ा, केवल जो किडनी दान देने वाले उनके कुछ कागजात और आज हमको भेजना, तो ये भी मुझे लगता है कि 5,00,000 रुपये स्वीकृत हो जाएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले जब 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो केवल 2 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान होता था और अब इन विगत 15-17 वर्षों के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि स्वेच्छा अनुदान में वृद्धि करी, मतलब मैं इसको सीधे सीधे कहूँ कि 100 गुना वृद्धि स्वेच्छा अनुदान के अंदर हमने करी और 2013 से 18 के बीच में 2000 से ज़्यादा लोगों का 15 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की राशि धनराशि हम लोगों ने स्वीकृत कराई, जो मुझे लगता है कि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेके और 2013 तक मात्र 5 वर्षों में 15 करोड़ रुपए की राशि, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान है, प्रधानमंत्री स्वेच्छानुदान है और एक जो बीमारी सहायता का जो कलेक्टर जिसके पहले प्रभारी हुआ करते थे, राज्य बीमारी सहायता, ये सब मिला के 15 करोड़ रुपये, 1,500,000 रुपये बड़ा अमाउंट होता है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इसमें लगातार लगे हुए रहते हैं कि किस प्रकार से हम जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकें और विशेष करके अब जब से आयुष्मान भारत जो एक 5,00,000 रुपये तक का जो इलाज होता है वो योजना आने के बाद, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा और बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, क्योंकि 5,00,000 रुपये की सहायता लेने वाले बहुत बड़ी संख्या है और इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कि धन के अभाव में कोई ज़िंदगी नहीं जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की प्राथमिकता भी और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी प्राथमिकता है और इसलिए मैं आज माननीय सांसद जी, महामहिम राज्यपाल जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, विशेष करके सांसद जी जो लगातार माननीय अनिल फिरोजिया जी जो इस काम में मेरी मदद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि भी मेरी मदद करते हैं, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।